आरती मुझे प्यार से क्या बुलाती थी? जाने जिगर। करेक्ट, लेकिन ये तो कोई भी गैस कर सकता है। मैं आरती को प्यार से क्या बुलाता था? लखते जिगर। मेरे चाचे के बुआ के मंझले लड़के का क्या नाम है? बल्लू भल्ला। तुम एक बहुत चीप और डाउन मार्केट परफ्यूम यूज करती थी, उस परफ्यूम का नाम बताओ। पथेर एंड पाटिल परफ्यूम्स। तुम्हारे बॉडी पर एक दिल है, बताओ वो दिल कहाँ है? मेरी कान के पीछे। ज्यादा पर्सनल सवाल किए ना तो कान के नीचे गोली डालोगे। आदित्य, तुम्हारी मौत कैसे हुई? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर में अटक जाएगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, सोच लो। आरती, मुझे ये बताओ कि किसने तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारी जान ली? जिसने मेरी जान ली है आज मैं उसकी जान ले लूंगी। आरती, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे मार डालूंगी। आरती, जान ले लूंगी। मुझे माफ कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। आरती, जान ले लूंगी। इस बेटा साहब, बचा मुझे। ये मार देगी। लेकिन ये तुम्हें मारना क्यों चाहती है? मेरी जान ले लूंगी। अरे बोलो, ये तुम्हें मारना क्यों चाहती है? तुमने मेरे ही मारा आरती को। अरे बोल, तूने आरती को क्यों मारा? बोल। शायद तेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, इसलिए चल मैं ही बता देता हूं। तूने आरती से इसलिए शादी की क्योंकि तुझे पता चल गया था कि आरती एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, लेकिन तुझसे शादी करने के बाद उसके बाप ने उसे अपनी जिंदगी से और अपनी जायदाद से दोनों से बेदखल कर दिया था। बस फिर गया था। आरती के साथ तेरा शादी करने का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। और शादी के बाद आरती को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला, उसे दुख हुआ। शादी के दौरान कई बार तुमने आरती को अपने पिता से सुलह करने के लिए कहा, लेकिन आरती को पता था कि यह काम तुम सिर्फ आरती के पिता के दौलत के लिए उससे करवा रहे हो। आरती बिचारी फंस चुकी थी, राइट? आपको ये सब कैसे पता चला? बोला, 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 मेरे उकसाने पे बोला, वरना नहीं बोल रहा था। बोला, देखो अब मेरी वजह से बोला। वो भी बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है, पहले आगे कहानी तो सुन ले। शादी के बाद आरती के पिताजी के मन में परिवर्तन आया और उसने आरती को खुद सामने से फोन करके पूना मिलने के लिए बुलाया। बस तुझे ऐसा लगा कि अब तो पैसे मिल ही गए, और फिर जब आरती पूना के लिए रवाना हो रही थी तो तूने आरती से कहा कि अपने पिताजी से थोड़े पैसे लेते आना, क्योंकि उसे तो पता ही है कि तुझ पे लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन आपको ये सब कैसे? अब जब मोड़ो खोली दियो है
तो खुद ही बता दो कि आगे का हुआ तो। चलो चालू करो। सोमवार को आरती पूना पहुंची। मैं बार बार उसे फोन करके बोल रहा था कि 10 लाख रुपए लेकर आना, 10 लाख रुपए लेकर आना। और मौन आरती, मौन। स्विच ऑफ आरती। ये तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मैं आ रहा हूं पूना। आप क्या करता? आना ही पड़ा। तुमने मेरा फोन जो नहीं उठाया। वो अविनाश, वो मेरे सर पे इतना कर्जा है ना कि चैन से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अपने बाप से पैसे मांगो और दे दो मुझे। सर हरगिज नहीं करूंगी अविनाश। ये तुम्हारा चेहरा है ना, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हुई। और तुमने अपने अयाशियों के लिए पैसे कर्ज लिए हुए। मेरे पापा तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाएंगे? और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत देर से घर के बाहर खड़ा नजर रख रहा हूँ। तुम्हारा बाप अभी अभी मंदिर गया है, घर में तिजोरी होगी और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि चाबियां कहाँ हैं। चाबियां लाओ, मैं पैसे लेके चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हें चाबी नहीं दूंगी अविनाश, चाहे तुम मेरी जान क्यों नहीं ले लो। अविनाश रुको, अविनाश। और इस तरह तूने अपनी पत्नी आरती का गला घोटकर उसे जान से मार दिया है कि नहीं? फिर बोलती बंद है गई। मौन व्रत पार्ट टू बताओ। कोई बात नहीं, अपने कोड़े सिंह जी और गुल्ले जी है ना। चमकू, जब तुम ये अपने गुल्ले जी कहती हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपने कोड़े सिंह जी और गुल्ले जी कहा। हाँ? हाँ? मैंने आधा ही सुना। कोड़े सिंह मुझे नहीं सुनाई दिया। होता है कभी कभी, नहीं पता चलता, सुनाई नहीं देता। तेरी फालतू की बकवास बंद हो गई हो, मैं जरा काम की बात करूं। आरती का गला घोट कर तूने उसे जान से मार दिया। उसके बाद अपने सारे फिंगरप्रिंट्स तू मिटाकर वहां से पैसे लेके फरार हो गया। क्या हुआ? ये आपको आरती की आत्मा ने बताया? खुद आरती ने। आरती ने कैसे बताया? जरूर उसकी आत्मा ने ही बताया होगा। मैं भी आप लोग की तरह मानने लग गया हूं कि आत्माएं होती है। मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, हम भूतों में नहीं सबूतों में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब कि आरती की आत्मा उस सौरभ में नहीं थी? आत्माय नमः, परमात्माय नमः, मात्माय नमः, विश्वात्माय नमः। एक मारा जा 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 जा। इसका मतलब आप दोनों वहां? जी, हम दोनों ने यह नाटक किया ताकि तुम तुम्हारा जुर्म कबूल कर सको। अगर ये सब नाटक ही था तो आप लोगों को उन सवालों के जवाब कैसे पता चले? आप जो जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे उनका जवाब मुझे आरती दे रही थी। आरती, आरती, आरती तुम मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। ऐसा तुझे लगता था कि तुमने अपने हाथों से आरती का गला घोट के मारा और वो मर गई,
लेकिन उसकी सांसें तब भी चल रही थी। लेकिन हड़बड़ाहट में तुम्हें लगा कि आरती तो मर गई। उसका मतलब कि तुम सब आरती के साथ मिले हुए थे? नहीं, बल्कि हमें तो आरती के पिताजी पे भी शक था और हम तो उन्हें पकड़ने भी गए थे। तो असली के साथ नकली भी। इंस्पेक्टर साहब, आरती तुम? सर जी ही चलकार हो है। अच्छा, इसका मतलब तुम तीनों ने मिलकर तीनों मिलकर अविनाश को फंसा रहे थे? क्यों? बताती हूँ सर, अविनाश ने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की, और अगर पापा उस वक्त नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं अभी इस वक्त आपके सामने नहीं होती। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अविनाश इंसान नहीं शैतान है, और मैं जानता था कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अविनाश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, और मैं हर हालत में उसे सजा दिलाना चाहता था। ये कौन है? ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो जब हम भरतपुर में रहते थे। भरतपुर? जी, आप कुछ कह रही थी? जी, वो अविनाश को फंसाने के लिए मैंने इसे अपनी जगह भेज दिया था, क्योंकि अविनाश ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, तो हमने सोचा कि नकली आरती को गायब करने के जुर्म में हम अविनाश को फंसा देंगे। देखिए, मैं सारी बात समझ चुका हूँ। आप लोगों का प्लान तो अच्छा था, लेकिन हमारी वजह से फ्लॉप हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि अविनाश मेरे बाद किसी और को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करे। अविनाश को सजा मिलनी ही चाहिए। देखो आरती, अविनाश को सजा तभी मिलेगी जब वो खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? करेगा नहीं, बल्कि हम उससे करवाएंगे, और उसके लिए एक प्लान है मेरे पास। और फिर क्या, हमने आरती की आत्मा बुलाने का नाटक किया और तूने तेरा जुर्म कबूल किया, और इस नाटक में मैंने यो यो बाबा और चमकू ने ओए ओए भाभी का जो सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में इस परफॉर्मेंस को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे चमकू, एक बात बताओ, ये इतिहास हमेशा सुनहरे अक्षरों में क्यों लिखा जाता है? आई लाइक पिंक, कभी इतिहास पिंक अक्षरों में क्यों नहीं लिखा जाता? कोई नहीं, तो चिंता मत कर, तेरी ये पिंकी टाइप वाली जो दरख्वास्त है ना, मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। सर जी, अब का की हो जाए, ये अविनाश को हवालात में ले जाऊं? नहीं, इनको तू भरतपुर के चिड़ियाघर में ले जा, चिड़िया दिखाने, बंदर बंदर दिखाने। खर्चा कौन देगो? दूं क्या खर्चा? चलो भैया, है गो तुम्हारा कंसेशन, कन्फेशन, कन्फेशन। चल 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 चल, आ जा चल, अब देखने तक कछु नहीं होगा, आ जाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं नहीं आरती, अच्छी बात तो ये है कि तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन आइंदा के लिए एक बात याद रखना कि माँ बाप जब भी कुछ कहते हैं ना, तो उसमें माँ बाप का स्वार्थ नहीं छुपा होता, बल्कि बच्चों का फायदा छुपा होता है। इसलिए अगर हमेशा अपना फायदा चाहते हो तो माँ बाप की सुना करो। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, मैंने भी हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानी। हमेशा मुझसे कहते थे, बेटा कम खाया कर वरना मोटा हो जाएगा। उनके कहने पे हमेशा मैंने कम खाया, और देखो कभी मोटा नहीं हुआ। मोटा नहीं हुआ? गुल्ला जी, रियली? या अरे सर, हेलो सर, सुबह सुबह घर कैसे बुला लिया सर? नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाया सर? बनाए तो खिलाए दिए सर। बोलो। अब बोलिए ना सर। एक बहुत स्पेशल बोल की मशीन आयल है, मिशन। एक खतरनाक मुजरिम को सेंट्रल जेल से आवड़ा जेल लेके जाने का सवाल के एकदम सेफ। तो ले जाएंगे ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुजरिम कौन है सर, नाम तो बताइए। राशिद मलिक।
राशुल मलिक वो खतरनाक टेररिस्ट। सर ये राशुल मलिक तो वही टेररिस्ट है ना सर, जो कुछ वक्त पहले शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस केस में अरेस्ट हुआ है और जिसे फांसी की सजा दी गई है। अरे उसी की बात कर रहा हूं मैं सर। वो तो सुना है कि बहुत बहुत खतरनाक टेररिस्ट है। ये बहुत खतरनाक आइटम है वो। और क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल जेल से औड़ा जाने के बीच में उनके आदमी लोग उसको कभी भी छुड़ा के लेके जा सकते, ऐसी खबर है। जरा संभाल के एकदम जिम्मेदारी के साथ काम करने का दम संभाल के। चिंता मत कीजिए सर, टेररिस्ट को एकदम सही जगह पहुंचाएंगे। देखिए साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए, माफी मांग लीजिए वरना। अबे जा, बड़ा है माफी मंगवाने वाला। हाँ, अरे कुछ किया नहीं तो किस बात की माफी? देखिए माफी तो मैं आपसे मंगवा के रहूंगा। हाँ तो मंगवा के दिखा ना। एडिया जी देख जरा का रोइया है, का चल रहा है? शर्म हया सारी घर रख करके आए हो का है? थाने को तो लिहाज करो। देखिए साहब, इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और मैं मरते मरते बचा हूँ साहब। अरे झूठ बोल रहा है पाखंडी। कोई टक्कर वक्कर नहीं मारी मैंने इसे अपनी गाड़ी से, ये खुद आया था मेरी गाड़ी के आगे। झूठ, आप ही ने मुझे टक्कर मारी। अरे भाई शांति, उसके बाद क्रांति। अरे बाबाड़े, अरे भाई साहब ये जानबूझ के तुम्हारे गाड़ी के सामने क्यों आएंगे? अरे आप नहीं जानते साहब, ये सब चोचले इन लोगों के। अरे धंधा इनका धंधा, पहले हम जैसे गाड़ी वालों की गाड़ियों से जानबूझ कर टकराते हैं, फिर हंगामा खड़ा करते हैं और फिर मुंह मांगा पैसा एकते हैं साहब, पैसा एकते हैं। तो इसमें पैसे पैसे की बात कहां आ रही साहब? मैं तो इन्हें सिर्फ सॉरी कहने के लिए कह रहा हूं बस। ले बताओ, सिर्फ माफी तो मांग रहे हो आदमी, है जान छुड़ाओ निकल लो, मांगो माफी। अरे जब मैंने कुछ किया नहीं तो माफी किस बात की? मैं क्यों मांगू माफी बोलिए? डीआईजी देखो भाई, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हमको तो केस रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर एक बार केस रजिस्टर है गो तो जाएगो फिर कोर्ट में, और अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये सच बोल रहे हैं तो तुमको तो हो जाएगी सजा, 2-3 साल की तो होगी ही होगी, और हमें तुम्हें रिमांड में लेना पड़ेगा। 10-12 सोटा तो हम भी लगाएंगे पिछाड़ पे। सजा, सजा, सजा। सॉरी भाई साहब, माफी हो गई, गलती दे दो। नहीं गलती हो गई, माफी कर, गलती हो गई माफ कर दो। हाँ यही बात, मैं आपको बाहर समझा रहा था। खैर कोई बात नहीं, एनीवेज चलो बजाओ हॉर्न, निकल लो हॉर्न, चलो 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 जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका। है ना, ऐसी बात हमने कर रहे हो, हमारा फर्ज नौकरी हमारी। अच्छा वो भाई साहब, वो बाथरूम यूज कर सकता हूँ आपका? ना 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 ना, हमारा बाथरूम यूज नहीं कर पाओगे, बहुत दूर जाना पड़ जाएगा भरतपुर। मजाक कर रहे थे, एक काम करो सीधे जाओ कॉमन संडा से वहां पे। एक मिनट भाई साहब, वो उधर कमोट होगा वहां। अच्छा अंग्रेजी में करना है का? वो बैठने वाली दिक्कत। ओहो, तो फिर एक काम करो पीछे जाओ सीधे लेफ्ट मारियो कमिश्नर साहब के कमरा के पल्ली तरफ, ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए जल्दी कीजिए, अच्छे से करियो जी, जी। अंग्रेज चले गए कमोड़ छोड़ गए। सालवी,
थैंक यू जरूर सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.